मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सफाई ड्यूटी पे मेरे कमरे की हालत आज फिर से बहुत ख़राब है। आज दिखाती हूँ मैं आपको, आज मैं फ़ोन लेके आई हूँ साथ में। और यहाँ पे भी देख लेते हैं इसने क्या कर रखा है। मैडम ने देख लीजिए इसका हाल, नाली में घूम के या बिल्कुल गिल्ली होकर ऊपर से मिट्टी और ये कचरा इतना आ रहा है। खड़ा और भी साइड। और ये देखो मेरे कमरे का हाल। अब यहाँ पे सारी सफाई करनी पड़ेगी, लग रही हूँ मैं करने। कर लिया है गैस जुगाड़ नहाने का, नीचे वाले बाथरूम में नहा रही हूँ, इसलिए मैं नीचे टंकी से बाल्टी भर भर के लेके आई हूँ। फाइनली मेरे रूम का गेट लग गया है, जुगाड़ू लगाया है अभी ये, मतलब लगा के इसके जो नट होते हैं ना वो अटकाए, अभी थोड़ा टाइट करने रहते हैं, बट ठीक है एटलीस्ट गेट का काम तो करेगा, तो आज मैं थोड़ी खुश हूँ। गैस नहा ली नीचे वाले बाथरूम में जैसा कि आपको बताया था। और हमारे घर में ना परसों से लगभग लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो दिन में जाती है डेली कुछ दिन से, क्योंकि गेहूं का टाइम है तो कट लगाते हैं, बट परसों रात को आंधी आ गई तो कुछ फॉल्ट हो गया, तो रात को भी नहीं थी और फिर कल सुबह भी नहीं थी, फिर दिन में तो कट लगना ही था, कल पूरे दिन को भी नहीं थी, फिर रात को ठीक करवाई तो सिर्फ कल रात को थी, सुबह बहुत जल्दी 6 बजे के आसपास चली गई थी तो अभी भी नहीं है। और इसी के कॉन्सिक्वेंस हमने कल रात को मोटर चलाने भूल गए, तो ऊपर टंकी में पानी भी नहीं है, तो इसलिए बाल्टियों से नीचे वाले टंकी से निकाल निकाल के और फिर नीचे बाथरूम में नहाई हूँ मैं, इसीलिए निकाल रही थी वो, क्योंकि ऊपर ले जाने की हिम्मत नहीं है, इतनी बाल्टी उठा उठा के बहुत हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो फाइनली नहा ली हूँ। अभी गर्मी ही हो रखी है बट क्या कर सकते हैं, तो अभी पटना कर ली हूँ स्टार्ट। 12:30 हो गए हैं गाइस, चाय बना के अभी लेके आई हूँ। और अभी ना पता क्या हुआ, हमारे घर पे ना वो आए थे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, वो आए थे गांव में ना, अभी भी चलता है ये ट्रेडिशन, जैसे मतलब कि पहले के टाइम पे होता था, जैसे नाई होते हैं जो, या फिर पंडित होते हैं जो, या फिर जो ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं वो लोग साल में मतलब कि ये इसके लिए गेहूं के लिए आते हैं, गेहूँ लेने के लिए, तो गाँव में अभी भी चलता ही है। मुझे भी नहीं पता था बट अब पता चला, क्योंकि मैं भी शहर में रही हूँ बचपन से ही और हमें 1 ही साल हुआ अभी गाँव में आए को, तो हम लगभग 1 ही साल से रह रहे, तो अभी पता चल रही मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें भी अभी तक होती है। और मैं कोई मतलब कम्युनिटी का किसी का भी वो नहीं करी, भगवान ने बनाया सबको, सब एक जैसे यार ऐसा वही क्या है, बट अच्छा अच्छे लोग थे, अच्छा लगा मिल के, अच्छे से बात वगैरह करके गए, गेहूँ लेने के लिए आए थे वो लोग साल में एक बार आते हैं हमेशा, तो इतने अच्छे से बात करके गए, सबको पूछ के कैसे हो ठीक हो ये सब कुछ करके, और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। बेचारों को वही बात है यार, बचपन से मतलब कि सोसाइटी हमारी ऐसी रही, कुछ अपॉर्चुनिटीज तो कभी मिलती नहीं है, तो क्या करें, जो भी बना हुआ सिस्टम वही फॉलो करते जा रहे हैं, तो मतलब ठीक है अभी तक वही चल रहा है। अब थैंक गॉड गवर्नमेंट भी इतना साथ दे रही है और लोग भी समझने लगे, तो इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी है, एटलीस्ट इक्वल मतलब कि कोशिश करिए सरकार की इक्वल दिया जाए, स्टडी वगैरह करवाई जाए, हेल्थ केयर दिया जाए, जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो अच्छा है, अगर हो जाएगा जिसको भी करना जो भी करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और ठीक है यार, है तो सब इंसान ही, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई वो तो है नहीं कि हम किसी को अपने से कम ज़्यादा समझे, तो मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मिलके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे थे बात करने में, और एक तो उनमें से काफ़ी सुंदर भी थी, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं भी चाय पीती हूँ, बस ये मन में आ रहा था तो मैंने बोल दिया वीडियो में कि आप सबसे शेयर करूँ। दोपहर के 2 बज गए गाइस, भूख लग रही है मेरे को, मतलब 10 मिनट रहती है 2 बजने में, भूख लग रही है ज़ोर से, तो मैं अभी जा रही हूँ खाना लेके आती हूँ ऊपर से डाल के। आज पोहा बनाया था मैंने बिल्कुल सिंपल सा ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, सुबह थोड़ा लेट उठी मैं, तो अभी लेके आती हूँ। ले आई हूँ डाल के लंच, ये कॉम्बिनेशन आज मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, ये जो भी मैं कर रही हूँ ये वाला, क्योंकि मैंने कई बार वीडियोज़ में देखा है और शायद वो दूसरी नहीं वाली होती है, बट ये पड़ी थी तो मैंने ये सोचा ये ट्राई कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही कि अब तो अच्छा ना लगे, ट्राई करती हूँ फिर बताऊँगी कैसा लगा मुझे।
शाम के 5:30 बज गए गाइस। ग्रीन टी पी रही हूँ। वैसे तो चाय का मन था बट गर्मी में अब चाय ज़्यादा अच्छी लगने से रहेगी तो ग्रीन टी ठीक है। और बालकनी में बैठ के पी रही हूँ, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। तो अब थोड़ी देर मतलब कि फ्रेश एंड अप हो जाएगा दिमाग। पढ़ ली मैं आज का ऑलमोस्ट काम मैंने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ी देर ये है ग्रीन टी पी के थोड़ा 10-15 मिनट ऐसे बकवास करूँगी, टाइम पास थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, फिर डिनर की तैयारी करते हैं। फिर थोड़ा और पढ़ना रहता है वो करूँगी कंप्लीट, शायद तब तक लाइट भी आ जाएगी क्योंकि 6 बजे आती है तो 5:30 हो गए। अब देखो 6 बजे आ जाएगी तो बढ़िया ही है यार, वरना तो तब से परेशान हो रखे हम बहुत। टमाटर तोड़े गए जी मम्मी ने, ये घिया तोड़िया, ये सब लगे हुए यहाँ पे और भी है नीचे नीचे काफ़ी, तो फिर मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ तोड़ने में। तो भाई शाम के बच्चे रखे हैं 6:30, मैं यूँ नीचे अपने रूम में, क्योंकि ये जो गेट है मैं बता रही थी आज लगाया, ये बहुत दिन से ठीक करने के लिए उसके पास था कारपेंटर के पास, तो इतना गंदा हो रखा है ऊपर से, इसकी वजह से रोज़ आने जाती थी तो मुझे रोज़ रूम साफ करना पड़ता था। तो आज फाइनली मैं सोच रही हूँ रूम अच्छे से साफ़ करके और इस गेट को साफ़ करके और फिर गेट के नीचे से मतलब कपड़ा लगा के और बंद करके छोड़ के जाया करूँगी, ताकि मेरे को डेली सफाई ना करनी पड़े। तो मैं भी ये साफ़ करने के लिए आई हूँ और सुबह सुबह टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो करती हूँ। गाइस डन, गर्मी तो नहीं हो रही, हालत देखो मेरी। और मम्मी को कह के गई थी सब्जी बनाने के लिए तो ऊपर आई हूँ, तो मम्मी ने सब्जी भी बना दी तो मेरा काम बन गया। फिर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा के फिर पढ़ने बैठूँगी, तो नहा के फिर आती हूँ।